हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट विद द टारगेट सक्सेस। ये मॉड्यूल 3 के ही एक स्टॉक वीडियो नंबर 2 में ये स्टॉक सजेस्ट किया था। ये वीडियो अपलोड किया था 27th अगस्त को ये वीडियो अपलोड किया था। एंड बेस्ड ऑन दैट मंथ्स एनालिसिस, उस वक्त उस मंथ की जो एक मोमेंटम थी, बेस्ट ऑन दैट एक सजेशन दिया था एंड एक अच्छा टारगेट सक्सेस दिया है। एक 89-90% का एक टारगेट सजेशन था। ओके, एक टारगेट अचीवमेंट एक्सपेक्टेड था एंड उतना ही एक मोमेंटम स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 महीने में ही दिया है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मोमेंटम विच द स्टॉक वाज स्टॉक एट गिवन, और वो एक ओवरव्यू हम लेते हैं कि एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे स्टॉक सजेशन दिया था एंड हाउ कम इट कैन गिव अ गुड टारगेट सक्सेस। ओके, तो ये स्टॉक सजेशन दिया था एक ₹16.50 के टारगेट के लिए। ओके, तो आई मार्क द टारगेट हियर। ओके, एक नियर टू इट मैंने एक टारगेट मार्क करके दिया है ₹16.60 के आसपास। मैंने वीडियो अपलोड किया था एक 27 अगस्त को। ओके, सो विल रिप्ले द कैलेंडर। ओके, यहाँ पे आप जो एक ग्राफ है वो एक रिप्ले करेंगे सो दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी बेटर वे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो उस वक्त जो उसके बाद एक बाइंग मोमेंटम देने के बाद स्टॉक ने एक जो अपर रैली ही दी है एंड इट गेव अ वेरी गुड टारगेट मोमेंट। आप देख सकते हो यहाँ पे एक टारगेट अचीवमेंट स्टॉक ने दिया है। एक 1st जनवरी के वक्त एक स्टॉक ने एक मोमेंटम दिया था और उसके बाद फिर से एक बाइंग मोड में ही ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये एक आप देख सकते हो कंटिन्यूस अपर रैली में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और उसी मोमेंट में ही हमने एक टारगेट सजेशन दिया था या फिर एक स्टॉक सजेशन दिया था शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। 89-90% का आपको एक टारगेट अचीवमेंट स्टॉक ने दिया है। बहुत ही अच्छी अपर रैली स्टॉक ने दी थी एंड द रीजन वाज लाइक कंसोलिडेशन में स्टॉक गया था। बहुत वक्त से कंसोलिडेशन में ही ट्रेड कर रहा है। यू कैन सी द डाउनफॉल द स्टॉक इज गिवन फ्रॉम मई 2019 से ही एक स्टॉक एक डाउनवर्ड ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है और उसके बाद उस वक्त जो एक हाईएस्ट वैल्यू था, एक रेजिस्टेंस था, उसी को टेस्ट किया था स्टॉक ने एक 1st दिसंबर 2021, एक दिसंबर 2021 के वक्त एक जो टारगेट के लिए या फिर एक वही एक रेजिस्टेंस टेस्ट किया था स्टॉक ने, फिर से कंटिन्यूस डाउनफॉल में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। और अभी एक जो स्टॉक ने मोमेंटम दिया है, डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग कैंडल्स जो स्टॉक ने दिए थे, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लो एंड स्टडी फॉर्म में स्टॉक एक अपर ट्रेंड के लिए ट्रेड कर रहा है। तो इतने वक्त के बाद एक स्टॉक जरूर एक ब्रेकआउट जरूर देगा एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि नियरेस्ट एक 0 के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 2 से 3 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था 2020 के वक्त और अभी आप मोमेंटम देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी रैली स्टॉक ने दी है। तो ये एक क्विक ओवरव्यू हो गया हमारे टारगेट सक्सेस का। बात करेंगे अभी हम पास स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं। डेफिनेटली हम एक फार्मा स्टॉक्स पे ही एक मेजोरिटी आज के दिन, एक वन ऑफ द स्टॉक हैज बीन कंट्रीब्यूटिंग इन टू द फार्मा सेक्टर। तो कौन सा वो स्टॉक है एंड क्या एक इंडिकेशन हो सकता है अगले 7 से 8 महीने के लिए एक इंडियन मार्केट के लिए, जाने के लिए वीडियो का अंत तक जरूर रहना। एंड लेट्स स्टार्ट विद द स्टॉक नंबर 5 जो है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा मतलब स्टॉक नंबर 5 जो है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। स्टॉक 591 के आसपास ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली एक दो टेक्निकल रीजन से हम जस्टिफाई करने वाले हैं व्हाई वी आर इंडिकेटिंग दिस स्टॉक टू गो टू एन अपर ट्रेंड और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्या मोमेंटम हम इंडिकेट कर सकते हैं, किन एक टेक्निकल फैक्टर्स की वजह से हम एक इंडिकेशन ले रहे हैं। ओके, तो एक प्रीवियस हिस्ट्री स्टॉक की देखेंगे कि कोविड के वक्त एक जो मोमेंटम एक जो रैली स्टॉक ने दी थी, ओवरऑल एक रैली अगर आप स्टॉक की देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 24 महीने में ही इन द स्पैन ऑफ जस्ट 2 ईयर्स स्टॉक इज गिवन द मोमेंटम ऑफ 558%, नियर अबाउट आपका एक पोर्टफोलियो एक 5.5 टाइम्स बढ़ा के दिया था इस स्टॉक ने। ओके, एक मतलब आप 1 लाख की अगर इन्वेस्टमेंट आपकी एक लोएस्ट वैल्यू के आसपास रहती तो आपकी एक पोर्टफोलियो वैल्यू बढ़ जाती नियर अबाउट 6.5 लाख के आसपास। ओके, इंक्लूडिंग द इन्वेस्टेड अमाउंट। ओके, तो ये कितना अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिया है। डेफिनेटली एज वी कैन सी हियर की एक अपर रैली जो स्टॉक ने दी थी, इट वाज एज पर अ नॉर्मल ट्रेंड, एक नॉर्मल अपर ट्रेंड के साथ ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। बिकॉज हर बार आप देख सकते हो स्टॉक ने एक सपोर्ट जरूर क्रिएट किया है हर एक अपर ट्रेंड के बाद। आप देख सकते हो 4 से 5 बार यहाँ पे सपोर्ट ट्रेंड जरूर बनाया था एंड डेफिनेटली इसके बाद एक जो अप ट्रेंड स्टॉक ने दिया, फिर उसका एक जो टोटल अपर ट्रेंड था उसके नियर अबाउट 40% यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर जरूर स्टॉक ने दिया। बट एक शार्प डाउनवर्ड रैली देने के बाद आप देख सकते हो फिर से एक स्टॉक ने नियर टू इट्स यू कैन सी इन अ नेचुरल वे यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यूस अपर ट्रेंड में ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक अपर ट्रेंड में ही एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे यहाँ पर एक सपोर्ट बनाते ही स्टॉक एक अपर ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। तो एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो कंटिन्यूस डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था नियर अबाउट टू 80-90% रिकवरी अभी स्टॉक ने दी है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर विच वी आर इंडिकेटिंग। द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर वी कैन सी टेक्निकल रीजन इज दैट कि एक जो टोटल डाउन ट्रेंड था उसका एक 90% रिकवरी दी है और एक जो जनवरी के मंथ में एक जो फॉर्मेशन दिया था स्टॉक ने, डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक टोटल जो डाउनफॉल था 537 के आसपास, एक 537-38 के आसपास एक लोएस्ट वैल्यू के आसपास एक स्टॉक ट्रेड कर रहा था जनवरी के महीने में। बट जो कमबैक स्टॉक ने लिया है डेफिनेटली इट हैज गिवन
रिकवरी फ्रॉम इट्स लोएस्ट वैल्यू अप टू मोर देन 50%। एक जो टोटल फॉर्मेशन एक जो कैंडल ने बनाया था स्टॉक का डिफरेंट की उसके एक मोर देन 50% रिकवरी स्टॉक ने दी है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो जाता है कि डेफिनेटली दिस स्टॉक विल हैव अ गुड मोमेंटम एट इट्स अपवर्ड ट्रेंड। एक अगले 7 से 8 महीने के लिए स्टॉक एक अपवर्ड ट्रेंड के लिए जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 591 के आसपास, तो हमें एक इवन टारगेट के लिए जरूर एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो इवन टारगेट विल बी एट द वैल्यू ऑफ 800, 800 की वैल्यू आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 800। एंड बात करेंगे अभी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 35-36% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 35-36% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 591 फॉर द टारगेट ऑफ 800। ओके, सो अभी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि स्टॉक 404 के वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। कोविड के वक्त डेफिनेटली बहुत ही अच्छी रैली स्टॉक ने दी थी। अगर एक टोटल मोमेंटम स्टॉक की अगर आप देखेंगे तो एक लोएस्ट वैल्यू जो जून के आसपास एक जो लोएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया था, ओके, एक 18 महीने में ही आप देख सकते हो स्टॉक इज गिवन अ मोमेंटम ऑफ 338%, नियर अबाउट 3.4 टाइम्स आपका एक पोर्टफोलियो बना के दिया है। अगर आपकी एक 1 लाख की इन्वेस्टमेंट हो जाती यहाँ पे एक लोएस्ट वैल्यू के आसपास, तो आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू बन जाती 4.4 लाख के आसपास, ओके, इंक्लूडिंग द इन्वेस्टेड अमाउंट। तो एक इतना अच्छा एक रैली दी थी स्टॉक ने, बट एज वी कैन सी की एक जो फॉर्मेशन स्टॉक ने बनाया अपवर्ड ट्रेंड का एक नेचुरल फॉर्म में जरूर बनाया। एक हर वक्त आप देख सकते हो 3 से 4 कैंडल के बाद एक सपोर्ट बनाते ही स्टॉक एक अपवर्ड ट्रेंड के लिए ट्रेड कर रहा है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है एक अच्छे मोमेंटम के लिए स्टॉक ट्रेड कर सकता है। टेक्निकली 2 रीजन से हम एक जस्टिफाई करने वाले हैं एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक मोमेंटम देगा स्टॉक। तो द रीजन नंबर 1 इज वी कैन सी ईयर की अपवर्ड ट्रेंड में जाने के बाद एक स्टॉक जरूर एक टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर में गया था, ओके, बट आप देख सकते हो टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर को एक ब्रेकआउट या फिर एक इमीडिएट रिवर्सल स्टॉक ने नहीं दिया था। ओके, द स्टॉक वाज ट्रेडिंग इन ट्रेंड साइडवेज। आप देख सकते हो फ्रॉम द ईयर 2022 2022 से 24 तक एक साइडवेज जोन में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, तो इफ यू ड्रॉ फॉर्मेशन, ओके, अगर आप देखेंगे ये जोन, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि इसी जोन में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है फ्रॉम ईयर 2022 टिल द ईयर 2024। एक पिछले 26 महीने से फ्रॉम लास्ट 26 मंथ्स स्टॉक इज ट्रेडिंग इन ट्रेंड साइडवेज। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि एक डेफिनेटली ब्रेकआउट हमें जरूर एक्सपेक्टेशन हो सकता है, ब्रेकआउट जरूर मिलेगा। नाउ दूसरा टेक्निकल रीजन रहेगा क्यों ये स्टॉक एक पॉजिटिव ब्रेकआउट में जाएगा। ओके, तो द रीजन नंबर 1 इज, द रीजन नंबर 2 इज जो टोटल कंसोलिडेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा था डेफिनेटली मोर देन इट्स 50% के अबाव ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, एक जो टोटल मोमेंटम है इसकी 50% वैल्यू डेफिनेटली एक 350-360 के आसपास आती है, बट आप देख सकते हैं कि एक इसी के ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो एक इंडिकेशन हो जाता है, पॉजिटिव इंडिकेशन होता है स्टॉक एक पॉजिटिव ब्रेकआउट के आसपास ही जाने की कोशिश में है। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड थिंग विच वी कैन से इज दैट कि एक जो दिसंबर के वक्त एक जो स्टॉक ने कैंडल फॉर्मेशन किया था डेफिनेटली स्टॉक एक 360 के आसपास एक लोएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया, बट एक पॉजिटिव क्लोजिंग जरूर उस महीने में स्टॉक ने दी थी। एक जो फॉर्मेशन स्टॉक ने बनाया डेफिनेटली एक जो कैंडल फॉर्मेशन एक इंडिकेटर करता है कि एक बुलिश रैली जरूर ट्रेंड करने की कोशिश में रहेगा ये स्टॉक। ओके, अपर ट्रेंड जरूर बनाने की कोशिश में रहेगा। एंड एक इंपॉर्टेंट नोटिस अगर आप देखेंगे ट्रेंड की, तो यहाँ पे एक साइडवेज जो स्टॉक ने बनाया था डेफिनेटली ब्रेकआउट करने की कोशिश में था, यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट जो स्टॉक ने बनाया, बट एक जो सपोर्ट जोन स्टॉक ने बनाया इट हैज डेफिनेटली बीन मेड अबाउट इट्स प्रीवियस सपोर्ट जोन। ओके, एक हायर लो जरूर इंडिकेट कर रहा है, तो ये 3 से 4 फैक्टर की वजह से हम एक स्टॉक एक अपवर्ड ट्रेंड में चले जाएगा ऐसा इंडिकेशन हो रहा है। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 404 के आसपास, डेफिनेटली आपको एक और टारगेट या फिर एक और वैल्यू के आसपास जरूर एक आपको टारगेट मिल सकता है, एक 550 का एक टारगेट आप जरूर एक राउंड ऑफ टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड द स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 550। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 36-37% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स का डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 36-37% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 404 रुपीज फॉर द टारगेट ऑफ 550 रुपीज। ओके, सो ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 4 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया प्रीवियसली, कोविड के वक्त भी एक अच्छी रैली स्टॉक ने दी थी। टेक्निकली 2 रीजन से हम जस्टिफाई करने वाले हैं, बट बिफोर दैट एक लेट्स वॉच आउट द टोटल मोमेंटम द स्टॉक इज गिवन। ओके, आप देख सकते हो 44 मंथ्स में ही, ओके, नियर अबाउट आप देख सकते हो कि एक 3 से 4 साल के ही बीच में, ओके, एक 4 साल के ही बीच में स्टॉक ने एक 1000% का एक मोमेंटम दिया है। व्हाट डज दैट मीन कि आपका एक पोर्टफोलियो 10 टाइम्स बना के दिया है फ्रॉम ईयर 2020 to 2023। ओके, नवंबर 2023 तक ही आपने एक हमने एक मेजरमेंट किया है, एक मोमेंटम इंडिकेटर या फिर एक मेजरमेंट किया है, तो एक आप देख सकते हो कि इतनी अच्छी रैली स्टॉक ने दी है
एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच वी कैन सी इज कि स्टॉक वेंट इनटू एन साइडवेज, एक साइडवेज में जरूर स्टॉक चला गया बट एक रिट्रेसमेंट नहीं दिया है स्टॉक ने, ओके एक टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर नहीं दिया है, एक फिर से मोमेंटम रिगेन करके फिर से एक पॉजिटिव रैली दी है। तो ये एक प्रीवियस हिस्ट्री है स्टॉक की। तो अभी करंट सिचुएशन स्टॉक की देखेंगे तो कंटिन्यूस अपन ट्रेंड में ही एक स्टॉक एक रिसेंटली ट्रेड करा था, एक पिछले साल में ही मार्च 2023 के बाद एक आप देख सकते हैं कंटिन्यूस अपन ट्रेंड के लिए स्टॉक ट्रेड करा था एंड दिस इज द वन ऑफ द इंडिकेशन की एक जो इमीडिएट कंसिडरेशन था स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है तो एक पॉजिटिव रैली के लिए ही स्टॉक अभी ट्रेड करने की कोशिश में रहेगा। दिस इज द नंबर वन इंडिकेशन। द नंबर टू विच वी कैन सी इज कि यहां पर फिर से एक स्टॉक ने टेंपरेरी सेलिंग प्रेशर बनाया बट एक फॉर्मेशन ऑफ कैंडल विच वी कैन सी राइट नाउ इन दिस मंथ, ओके एक इस महीने की कैंडल फॉर्मेशन आप देखेंगे तो एक लोअर लेवल से जरूर एक रिजेक्शन ले रहा है स्टॉक, ओके तो एक रिकवरी लेके एक पॉजिटिव रैली के लिए जरूर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक एंड एक रिवर्सल देने की ही ट्रेंड में रहेगा क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री अगर स्टॉक की देखेंगे तो डेफिनेटली द स्टॉक हैज गिवन अ रिवर्सल या फिर एक टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर में जाके फिर से एक अपवर्ड ट्रेंड में ही ट्रेड करने की कोशिश में है। डेफिनेटली द यू कैन सी द ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक, द स्टॉक हैज नेवर गिवन अ नेगेटिव रिमार्क, एक पॉजिटिव या फिर एक बुलिश ट्रेंड में ही स्टॉक एक ट्रेड करने की कोशिश में रहा है। तो एक अभी एक स्टॉक ट्रेड कर रहा है 500 के आसपास तो आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो द टारगेट ऑफ 700, ओके 700 का टारगेट आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टूवर्ड्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 700, ओके एंड बात करेंगे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 40-41% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 40-41% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 500 रुपीज फॉर द टारगेट ऑफ 700 रुपीज, ओके। सो ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 3 की। सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है इमामी लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक कंटिन्यूअस अपऑन ट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक प्रीवियस इश्यू हम जरूर देखेंगे स्टॉक की और उसके बाद एक टेक्निकली दो रीजन से हम जस्टिफाई करने वाले स्टॉक एक बाइंग मोमेंटम के लिए। तो प्रीवियस इश्यू स्टॉक की देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कंटिन्यूस अपर ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक कोविड के बाद आप देख सकते हो फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल इटसेल्फ एक प्रीवियस जो डाउनफॉल था स्टॉक का, ओके एक फ्रॉम जनवरी 2018 2018 से 2020 तक एक दो साल के लिए कंटिन्यूस डाउनफॉल में स्टॉक ट्रेड कर रहा था और उसके बाद एक फ्रॉम अप्रैल 2020 टिल अगस्त 2021 नियर अबाउट एक डेढ़ साल के लिए कंटिन्यूस अपवर्ड ट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। तो एक बाउंस बैक जरूर स्टॉक ने दिया था यहाँ पर और ये कंटिन्यूस रैली देने की वजह से एक टेंपरेरी सेलिंग प्रेशर जरूर स्टॉक ने बनाया, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक डाउन ट्रेंड में जाने के बाद फिर से एक नेगेटिव रिट्रेसमेंट दिया, फिर से एक डाउनफॉल दिया। तो यहाँ पर एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक ने बनाया एट विच लेवल द स्टॉक हैज मेड अ गुड सपोर्ट, यू कैन सी हियर कि एक जो टोटल डाउन अपवर्ड ट्रेंड था उसके 50% के आसपास ही अभी एक स्टॉक ने सपोर्ट बनाया है, ओके। और उसके बाद एक जो शार्प रैली स्टॉक ने दी थी अपवर्ड ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड करा था पिछले साल ही अप्रैल महीने में, एक जो अप्रैल महीने से एक अपवर्ड रैली स्टॉक ने बनाई और यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडल फॉर्मेशन एक जो पैटर्न बनाया है स्टॉक ने एक बुलिश हरामी फॉर्म में जरूर बनाया है और उसके बाद एक अपर रैली में स्टॉक चला गया, फिर से एक यहाँ पे कंसोलिडेशन में स्टॉक ट्रेड करा है। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं एक जो एक कंसोलिडेशन की एक लोएस्ट वैल्यू है इसी के आसपास ही ये स्टॉक आया और इसी के ऊपर ही एक रिवर्सल देने की कोशिश में था स्टॉक। तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग साइडवेज में स्टॉक ट्रेड करने के बाद एक 6 महीने में से ही एक स्टॉक एक साइडवेज में ट्रेड कर रहा है तो ये एक दो इंडिकेशन है एक रिवर्सल के उनके चांसेस एज वेल एज एक जो टोटल डाउनफॉल था इसकी एक 70-80% रिकवरी स्टॉक ने दी है, एक जो रिट्रेसमेंट स्टॉक ने बनाया था इसकी भी एक रिकवरी स्टॉक ने दी है। तो यहाँ पर आप एक रिवर्सल जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो, बुलिश रिवर्सल जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट, तो अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 485 के आसपास तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं द टारगेट ऑफ 700, एक 700 का टारगेट आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके एज वी कैन सी हियर कि इसी लेवल के आसपास ही दो बार मल्टीपल रिजेक्शन स्टॉक ने दिया है एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 700 के लेवल को। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 44-45% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 44-45% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 485 फॉर द टारगेट ऑफ 700, ओके। सो ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइस ये था हमारा स्टॉक नंबर 1 फॉर द टुडेज वीडियो मॉडल 3 जो है पीपीएल, जिसे हम एक जिस इंडस्ट्री का नाम है पिरामल फार्मा लिमिटेड, ओके। तो ये एक फार्मा स्टॉक है जो एक हम इंडिकेशन ले रहे हैं कि एक फार्मा स्टॉक में ये स्टॉक एक 7-8 महीने के लिए पॉजिटिव रहने की कोशिश में रहेगा। राइट नाउ द स्टॉक इज बिन रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन टू द सेकेंडरी मार्केट, एक अक्टूबर 2022 के वक्त ही ये स्टॉक ने एक इंट्रोडक्शन लिया है मॉडल सॉरी इन द सेकेंडरी मार्केट। तो ये स्टॉक एक 195 के वैल्यू के आसपास एक लॉन्चिंग की थी, उसके बाद आप देख सकते हो कंटिन्यूस 6 महीने के लिए स्टॉक एक डाउनवर्ड ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डाउनवर्ड लेवल में एक स्टॉक ने एक वैल्यू बनाई नियर अबाउट एक 60 रुपीज के आसपास, ओके नियर अबाउट एक यू कैन सी द स्टॉक हैज गिवन अ 1/3 ऑफ वैल्यू और फ्रॉम विच द स्टॉक वॉज बीन इंट्रोड्यूस इन टू द सेकेंडरी मार्केट, ओके। तो यहाँ पर एक डाउनफॉल देने के बाद आप देख सकते हो कि एक अपर रैली जो स्टॉक ने बनाई थी, ओके अप्रैल 2023 के वक्त
स्टॉक इज गिविन अ गुड अपवर्ड रैली. एक 10 महीने में स्टॉक ने एक 115% का एक मोमेंटम दिया है. एक पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1.15 टाइम्स एक आपका पोर्टफोलियो बना के दिया है. 1 लाख की अमाउंट जो आपकी 2,15,000 के बना के दी है सिर्फ और सिर्फ 10 महीने के ही ड्यूरेशन में. तो एक इतना अच्छा मोमेंटम रिसेंटली अभी स्टॉक ने दिया है. टेक्निकली दो रीजन से हम स्टॉक जस्टिफाई करने वाले हैं टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड. द रीजन नंबर वन इज लाइक कि एक जो टोटल डाउनवर्ड ट्रेंड था डेफिनेटली इसके एक मोर देन 50% रिकवरी के साथ स्टॉक ने एक क्लोजिंग दी है या फिर एक पॉजिटिव रैली दी है. ओके तो एक यही एक इंडिकेशन नंबर वन है. द सेकंड इंडिकेशन इज लाइक वी कैन सी हियर कि स्टॉक हैज नॉट गिवन अ स्ट्रॉन्ग शार्प रैली. ओके शार्प रैली नहीं दी है. एक सपोर्ट बनाते ही या फिर एक साइडवेज में जाके एक यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट करने के बाद ही फिर से एक रैली दी है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन स्टॉक ने लिया और उसके बाद ही फिर से एक रैली कंटिन्यूशन दी है. ओके तो इस महीने में भी आप देख सकते हो कि लोअर लेवल से एक जो डाउनफॉल था स्टॉक का एक नेगेटिव ट्रेंड में चले जा रहा था डेफिनेटली एक उसी लेवल से एक रिकवरी लेके एक अभी लोअर लेवल को रिजेक्ट करने की कोशिश में है स्टॉक. पिछले महीने जो एक लोअर वैल्यू थी 133 के आसपास इसी वैल्यू के आसपास ही स्टॉक ने एक लोअर वैल्यू बनाई है एंड डेफिनेटली इट इज ट्राइंग टू गिव अ रिजेक्शन. ओके 135 से 136 के आसपास अभी स्टॉक ने क्लोजिंग दी है. ओके तो ये इंडिकेशन होता है कि एक लोअर लेवल से अभी ये स्टॉक एक रिजेक्शन लेने की कोशिश में है और एक अच्छी अपवर्ड रैली स्टॉक दे देगा. ओके तो ये एक रहेगा एक मोमेंटम स्टॉक का बट एक क्या रहेगा टारगेट इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक. ओके तो ये एक जो डाउनफॉल था स्टॉक का एक जो डॉम्पल स्टॉक ने स्टार्ट किया है उसी एक लेवल को हम एक नियरेस्ट टारगेट एक्सपेक्ट करने वाले हैं. ओके द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू 136 तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इवन वैल्यू ऑफ 200 का एक आप जरूर टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो. स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 200. ओके एंड बात करेंगे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली इस लेवल तक इन्वेस्टमेंट करते ही इन्वेस्टर्स को एक 47-48% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है. इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 47-48% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 136 फॉर द टारगेट ऑफ 200. ओके सो की बात आज के हमारे स्टॉक नंबर वन की फॉर द टुडेज वीडियो ऑफ मॉडल 3. तो जैसे हम देख रहे हैं कि हर एक मॉडल 3, हर एक मॉडल 2, हर एक मॉडल 1 के ही वीडियो में हम एक फार्मा स्टॉक की इंडिकेशन दे रहे हैं. फार्मा स्टॉक इज डेफिनेटली सजेस्टेड इन ईच एंड एवरी वीडियो. तो क्या ये एक इंडिकेशन होता है कि एक मार्केट एक साइडवेज या फिर में करेक्शन में जाने की कोशिश में रहेगा? क्या फिर से 2020 का एक पैंडेमिक जो एक हुआ था उस वक्त जो एक मार्केट ने करेक्शन दिया था फिर से ये करेक्शन आने के चांसेस हमें मिल सकते हैं? विल निफ्टी ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट सपोर्ट जोन एट द वैल्यू ऑफ 19,000 और इवन इट कैन गिव अ गुड ब्रेक एट 19,000 गो टू इट्स टारगेट ऑफ 15,000. अगले 7 से 8 महीने के लिए निफ्टी की क्या मोमेंटम रहेगी? व्हाट इज योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.